हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। अभी अगर आपने ये सब नहीं किया तो अभी आपको ये सब करना है, बाद में करोगे, लेट करोगे तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा आपको। जो जो मैं चीज़ें बताऊँ वो आपको अभी अप्लाई करनी है, सारी चीज़ों को सीरियस लेकर चलना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, जिसने भी अभी तक कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं कर रखा, जैसे आपने RSCIT नहीं कर रखा, तो आप RSCIT अभी अप्लाई कर लें और RSCIT अभी कर लें, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट LDC वाली वैकेंसी कभी भी आ सकती है। RSCIT नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप RSCIT के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपका RSCIT सर्टिफिकेट भी बन जाए, या फिर आपके पास अदर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। RSCIT जिन्होंने नहीं कर रखा, प्लीज़ वो अभी RSCIT कर लें, बाद में आपके दिक्कत होगी, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और मैं इसके बारे में बताऊं दोस्तों, जिसने अभी तक टाइपिंग बिल्कुल भी शुरू नहीं की है, जिसको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, पहले टाइपिंग कभी नहीं की उसने, उसको टाइपिंग अभी शुरू कर देनी है। हिंदी में भी करनी है, इंग्लिश में भी करनी है, दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है, और अभी आपको दोस्तों टाइपिंग शुरू कर देनी है। बेसिक से शुरू कर दो जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन टाइपिंग अभी शुरू कर लो दोस्तों, बाद में दिक्कत होगी, बाद में आप टाइपिंग कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पे 50 से 60 की स्पीड आपको चाहिएगी तब आप अच्छे नंबर ला सकोगे। इसलिए हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों जितना जल्दी हो सके आप टाइपिंग शुरू करें। और मैं इसके बारे में बताऊँ दोस्तों आपको, जिसने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है, पढ़ना शुरू नहीं किया है, एग्ज़ाम डेट आने के बाद में पढ़ेंगे, फॉर्म आने के बाद में पढ़ेंगे, दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आप सोच के देखो, जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उनको आप कहाँ तक पकड़ पाओगे? इसलिए जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, कृपया करके तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस में आपको क्या करना है, तो अभी जो मैंने करवा रखा है, जैसे मैंने पर्यायवाची शब्द करवा रखे हैं, लोक देवता करवा रखे हैं, इंग्लिश में भी कुछ करवा रहे हैं, ये ग्रुप डी के लिए भी है, LDC के लिए भी है, इन एग्ज़ाम्स के लिए ये है, तो आप यहाँ से ये कवर कर लें। बाकी आप हिंदी इंग्लिश में सिलेबस आपके पास है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश का ही सिलेबस आप कर सकते हैं। राजस्थान GK का आपके पास सिलेबस है, वो भी आप कवर करें। बाकी करंट अफेयर अभी आप छोड़ दें, करंट अफेयर अभी आप ना करें, इंडिया का भी ना करें, राजस्थान का भी ना करें, करंट अफेयर आप बाद में कर लें। अभी तो हिंदी इंग्लिश राजस्थान का GK इसको कवर करके चलें। अगर आप बाद में के लिए बैठ गए कि मैं बाद में तैयारी कर लूँगा, बाद में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 2-3 महीने में सिलेक्शन ले लूँगा, गलतफहमी में दोस्तों मत रह जाना। आप सिलेक्शन लेना है तो अभी तैयारी में लग जाओ, दिन रात मेहनत करो। आज की आपकी दोस्तों मेहनत करी हुई आपको 2021 में नौकरी पे बैठा देगी, 2021 में आपको नौकरी दिला देगी। दोस्तों मैंने खुद ने 6 महीने इतनी शानदार मेहनत की थी टाइपिंग में, लास्ट के 3 महीने तो 12-12, 14-14 घंटे तक टाइपिंग हो जाती थी, 12 घंटे तो टाइपिंग होती ही थी जहाँ तक मैं देखता था, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही था, कोई चांस ये नहीं छोड़ना था कि अपनी तरफ से हम कोई गलती करें या कुछ ऐसा करें कि हमारा सिलेक्शन ना हो। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों अभी खड़े हो जाओ, उठ जाओ, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, एग्ज़ाम आपको निकालना है तो निकालना ही है, ये मान के चलो ये एग्ज़ाम आपका ही होना चाहिए, और आपको निकालना है तो निकालना ही है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, कोई बहाने नहीं होने चाहिए, वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, सब हो जाएगा, वैकेंसी आने ही वाली है, ये मान के चलो आप, इन 2-3 महीनों में ये वैकेंसी भी आ जाएगी, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला आपको, तैयारी में लग जाओ, अभी जितनी अच्छी हो सके तैयारी करो। उसके बाद आपकी कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप, और क्या आपके दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, इसका जो भी सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, यहाँ पे पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये भी मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप भी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, आपके जो भी फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।